हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एसटी व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग को एंट्री स्टार्ट करते हैं। और अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, 5 बजे हम छत पे आए हैं। थोड़ी धूप ऊपर वो भी जा चुकी है और अब सुनील आ रहा है और बुगर मेरे पास खड़ा है। इसको तो मैं ज्यादा उड़ान देता नहीं हूँ क्योंकि भाई इसके तो थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये गिर गया था तो कहीं इसके लग गई थी, तो इसको उड़ाना बिल्कुल मना कर रखा है। तो भाई इसको थोड़ा बात एक पतंग उड़ान देता हूँ बस दिन की, जिसमें भी आदमी तो मैं उड़ाता हूँ, इसको उड़ान देता ही नहीं हूँ। बस ये तो बैठा बैठा देखता है या फिर बस पतंग का भी पकड़ लेता है। तो और वो बाकी सुनील आ रहा है, पेटीज पैक करा के लाएगा तो पेटीज खाएंगे। आज थोड़ी छोटी सक रहा था आज, इसलिए थोड़ा बहुत जश्न बनता है, बनता नहीं बनता है। और पतंग वतंग भी लेके आ चुके हैं, हम दिखाते हैं आपको। और बाकी वो नई पतंगे हैं वो तो ऐसे कैसे रखी है, उन पर तो ना टंग डाले ना उनको देखा, बस कुछ नया चरखा है वो काम में आता है थोड़ा बहुत। बाकी लूटी हुई पतंगे इतनी आती है क्या बताएं। छत को मतलब 10 मिनट के लिए बाहर गया था सिर्फ दवाई लेने के लिए, इतनी देर में तो भाई कितनी 2 पतंगे लूट लाए हैंड टू हैंड गए जिस टाइम भी। और दो चाइन से आपको लोग भी रेगुलर नहीं मिल रहे, इसका रीज़न भी यही है कि भाई मेरे बुखार हो रही है, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा बिल्कुल मेरे जुकाम उकाम हो रही है। लूटी हुई पतंग अभी इतनी सारी हो रखी है क्या बताएं अब आपको, ये 2-3 दिन में इतनी पतंगे आती है क्या करें। ये देखो ये हमारे चरखियों की डब्बा और ये हमारी पतंगों का ये भाई साहब। और अभी पतंगे उड़ रही नहीं है क्योंकि भाई बच्चों की छुट्टी हुई भी नहीं, और छुट्टी हो गई है तो भाई क्या दिक्कत है, हवा नहीं चल रही इसलिए। बाकी उड़ेगी अब जल्दी उड़ेगी। तो गाइस अभी सुनील भी अपने पेटीज का सामान लेके आ चुका है, तो चलिए करते हैं पार्टी यहीं पे छत पे बैठ के आराम से। पतंग वतंग तो हम इतनी उड़ाते नहीं है, बस पार्टी वार्टी करते हैं बढ़िया बैठ के। बैठो भाई बैठो, रखो कितनी लगे आए, 3 अपने तीनों की 3। चलो खोलो, ये अपना 3 पेटीज का सेट आ चुका है। और ये क्या है पातड़े, और ये सोच है कुछ, इसको पकड़ो बेटा। लो भाई जो सबसे बड़ी है इनमें से, इधर इधर बीच में डाल, ओ तेरी मटर भी है। चलो डालो कोई बात नहीं, तो भी डाल दे फुल बढ़िया। एक और डाल करता जो, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल के अंदर। गाइस अब हम मिलके इधर पार्टी कर रहे हैं, और सामने देखो बंदर कहाँ गए, ये देखो जरा इधर भी है बंदर। तो गाइस आज आपका आपको आज का अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला है भुवन, बताइए आज का हवा कैसी रही, छोटी सक रात आपको कैसा लगा आप बताइए। हवा तो बिल्कुल ही नहीं थी, परेशान तो देख सकते हैं आप इन दोनों के चेहरे मुरझाए हुए हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो भाई हवा बिल्कुल भी नहीं थी, और कल जितनी पतंगे उड़ी थी ना उसकी 0.5% भी पतंगे नहीं उड़ी आज, जबकि छोटी सक रात थी। लेकिन क्या करें, हवा का कुछ मामला ऐसा था कि नहीं उड़ा पाए, नहीं उड़ा पाए तो परेशान होकर पता जी क्या खानी पड़ रही है मीठी चटनी के साथ। अरे भाई ये रख, हटा इसको। मकर संक्रांति मतलब सक्रांत, और आज का मौसम आप देख सकते हो कितना कोहरा हो रहा है। ये देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है हमारे घर से आगे, इतना ठंडा मौसम हो रखा है। इसमें ग्रेनेड फेंक दिया किसी ने ऐसा लग रहा है। तो गाइस ये है नई पतंगे जिनको इसके अंदर रख रखा हूँ, ये है मेरी चरखियाँ, चरखियों का डब्बा है, और ये सारा लूटा हुआ माल है इसके अंदर, मतलब कंप्लीट पूरा लूटा हुआ माल ही हमारे पास। खूब सारी पतंगे आती है भाई लूटी हुई।
सभी हो चुके दोपहर और हम छत पे ही बैठे हैं। पतंगे भी काफ़ी उड़ रही है लेकिन बस हवा बंद हो जाती है, कभी चल जाती है, यही है। तो गाइस जो हवा है वो ऑलराउंडर हो चुकी है, इस साइड भी चलती 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 है। इस चक्कर में ग्लिता रखा है हमारे तो उड़ाने के अंदर है भुगन भाई। हम तो भाई कुर्सी लगा के बैठे हैं दोनों भाई। चिल्ला रहे तार का इधर ही है। दस गुब्बारे तो हमने उड़ा दिए और अभी दस और बच रहे हैं, तो चलिए इनको भी उड़ाते हैं। और है और सभी पतंग वतंग उड़ा के फ्री हो चुके हैं सारे, और बस अब पताशे मंगाई है, पताशे खाएंगे मीठी चटनी और वो अपना मसाला बस पताशे खाएंगे आप समझ लो। चलो भाई बैठो सामने, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, हाँ इसको बंद कर दो गेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ग्रीन पानी तो लेते नहीं इतना ज़्यादा, जो खट्टा होता है सर्दी का टाइम है तो कहीं जुकाम काम लगता है भाई, मीठ चटनी ज़रूर खाएंगे और पताशे ठोक के भाई तीनों भाई मज़े लेके खाएंगे आज। गाइस तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हम आ चुके हैं छत पे, और छत पे धूप का तो इतना कोई मौसम है नहीं, छत धूप ऊप तो आए तो भाई छत पे बैठ के थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, पकौड़ी है, चाय है, तो भाई बढ़िया ठंड के अंदर गरम गरम चीज़ें खाते हैं और फिर पतंग उड़ाएंगे आज। तो गाइस मैंने आपको सुबह बताया था जैसा कि मैं एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर लेके आने वाला हूँ, तो मैं एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर लेके आऊँ। वैसे मेरे को पसंद तो नहीं है ब्लूटूथ वाला स्पीकर, लेकिन भाई इसका रीज़न ये है कि भाई इसकी आवाज़ है ना, इसकी आवाज़ में बेस अच्छा है, काफ़ी मस्त बेस है और इसकी आवाज़ एक नंबर है, मतलब इसलिए लेके आया हूँ मैं भाई। मेरे पास 2-3 है स्पीकर लेकिन भाई वो इतने अच्छे नहीं है, उनकी आवाज़ तो है जो पड़ती है फटती है, तो भाई ये है इसकी आवाज़ आपको सुनाऊंगा। अभी तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अभी एक मोबाइल है मेरे पास, अभी इससे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, कभी और मतलब दूसरा मोबाइल लेके इसी वीडियो में दिख जाएगा आपको, तो इसलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है। सिर्फ 280 रुपये का है, 300 रुपये रेट बोलती भाई ने, 280 रुपये करा के लाया हूँ, बाकी 250 रुपये में मिल जाएगा आपको, अगर आप और थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो 250 रुपये मिल जाएगा आपको आराम से। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई ये कुछ बॉक्स आता है सब वायरलेस बीटी स्पीकर का, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये इसकी यूएसबी केबल जो कि चार्जिंग के लिए है, और ये इसकी ऑक्स, बाकी ऑक्स का इसमें ऑप्शन नहीं होगी, ये नया वाला है इसलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये बिल्कुल छोटा सा अपना स्पीकर आता है, और इसके अंदर और सिस्टम किया गया है, ये एक लाइट का ऑप्शन है, ये एक पावर जहाँ से इसका ऑन होता है, प्लस और माइनस वॉल्यूम कम जाया करने का, और मोड इसमें 3 मोड है, एक तो यूएसबी वाला मोड हो गया, और एक मतलब ब्लूटूथ वाला हो गया, और एक होता है एफएम रेडियो वाला। तो भाई इसे 3 और ये बेस देखो ऐसे दबते हैं, जब ये चलता है तो ऐसे मतलब दब दब करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी है। और ये लाइटिंग का सिस्टम है, इससे आप लाइट कर सकते हैं, इसके हैंडल मतलब बंद कर सकते हैं। तो भाई चला के देखते हैं, हम ही चला के देखते हैं, आपको तो आगे मिल जाएगा वीडियो में।